दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में गाइस जानेंगे कुछ ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज। देखो आज की डेट में जो मार्केट को हम देखते हैं जिस नज़रिए से कि भैया बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, वहीं पे एक सबसे बड़ा जो रोल होता है नीचे आने का क्रिप्टो एक्सचेंज, मतलब जो एप्लीकेशन होता है जिसमें हम कॉइन खरीदते हैं, वो भैया काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो रहे हैं। जैसे FTX कोलैप्स आपने देख ही लिया है रिसेंटली। गाइज काफ़ी एक बड़ी अपडेट आई है जो कि क्रेकन एक्सचेंज, और आप सबको पता होगा एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हो जाता है जो आप शायद से आपने उस एक्सचेंज से बाय करके भी रखा होगा, जिसका भैया APR काफ़ी ज़्यादा ऑफर हायर कर रहा है। देखो मैं बात करूँ एक तो सबसे पहले क्रेकन एक्सचेंज की। देखो क्रेकन एक्सचेंज में अभी क्या चल रहा है, 30% ऐसे एम्प्लॉय के भैया एग्जिट कर रहे हैं अपने कंपनी से, मतलब वो जॉब से निकाला जा रहा है क्रेकन जो एक्सचेंज है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आती है कि भैया ऐसा क्यों, जब कोई कंपनी अगर नेक्स्ट लेवल पे जाती है और वहाँ पे ऊपर जब कंपनी जा रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ना कि भैया वहाँ से एग्जिट कराया जाए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही है। और ये जो दूसरा जो बड़ा एक्सचेंज है जिसकी बात कर रहा हूँ गाइस, कूकॉइन, ये भी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं ऐसे बड़े एक्सचेंज है जिसमें आप क्रिप्टो कॉइन्स को बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी कहानी कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, हायर APR को ऑफर कर रहे हैं, मतलब ये एक बहुत निगेटिव अपडेट होती है। आपको बता दूं मैं, CZ का एस्टिमेट आता है जैसे ये दो बड़े एक्सचेंज की तरफ से जो ऐसी अपडेट सामने आती है। CZ भी एक ट्वीट करता है जिसमें क्लियर कहा जा रहा है कि जैसे जिसका ज़्यादा ही हायर APR जो ऑफर कर रहा है, और दूसरा जो भैया अगर अपनी कंपनी से अपनी एम्प्लॉय को एग्जिट करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उन ऐसे एक्सचेंज से बच के रहना। आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी गाइस कि CZ का ऐसा क्यों कहना है, जो कि बाइनेंस के ओनर है और बाइनेंस वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे है, और वो चाहते हैं कि और भी जो छोटे बड़े जो एक्सचेंज है जो इनके लेवल तक आना चाहते हैं उनको भी डीप में गिराया जाए। देखो काफ़ी सारी ऐसी अपडेट्स जो इकट्ठा करना पड़ता है, जब अपडेट सही हो तो फिर अगर बात करें तो गाइस उसमें कुछ फ़ायदा बनता है। ये तो निगेटिव अपडेट हो जाती है। उसी बीच में हम सबको पता है बेबी डॉज कॉइन की एक ऐसी अपडेट आती है बर्निंग स्वैप को लेके, जो आप सबको पता है 1 दिसंबर बर्निंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है और 1 क्वाड्रिलियन बर्न हुआ है आज की डेट में। कल एक तारीख थी, कल की डेट में 1 क्वाड्रिलियन कॉइन को बर्न किया गया है। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 16 BNB बाय बैक एंड सेल बर्न, मतलब बाय करके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बेबी डॉजी का जो बर्न स्वैप है वहाँ पे स्वैप भी किया जा रहा है, और स्वैप और जो बर्निंग मैकेनिज्म है उससे लेके 1 क्वाड्रिलियन कॉइन को बर्न कर रहे हैं, जबकि टोटल सप्लाई देखा जाए तो 420 है, जिसमें 1 क्वाड्रिलियन बर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 420 क्वाड्रिलियन में 1 क्वाड्रिलियन बर्न होना, उसके बाद धीरे धीरे अगर ये जो सिलसिला है चलता रहा मंथली बर्निंग का, स्वैप बर्निंग का, इवेंट बर्निंग का, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम की भी बर्निंग है वो सब अगर मिला जुला के देखा जाए तो बेबी डॉजी इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। देखो बहुत सारी कॉइन आप सबको पता है प्रोजेक्ट के साथ चली रही है, लेकिन इस कॉइन की अगर हम बात करें तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही चीज़ में और कॉइन हारता है वो थी उसकी टोटल सप्लाई, और इसका भी सॉल्यूशन निकल चुका है, मतलब बर्न मैकेनिज्म वो लगातार कर रहा है, मतलब कल की डेट से चालू हो गया ये कह सकते हो। अभी तक ट्रेडिंग वॉल्यूम पे ही बर्न था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इवेंट के जरिए ये सारी प्रोसेस जो हो रही है 1 दिसंबर से, वो एक पॉजिटिव अपडेट हो जाती है। अभी देखोगे बेबी डॉजी कॉइन की जो प्राइस है उसमें 2% 3% डाउन चल ही रहा है। क्यों चल रहा है, जो मैंने अभी दो बड़े एक्सचेंज की जो अपडेट बताई है वो कहीं ना कहीं निगेटिव करता है ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री को। चीज़ों को समझना होगा गाइज, और आज की डेट में बेबी डॉजी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कीजिए। मैं कहता हूँ कि बेबी डॉजी कॉइन को खरीदना है, क्योंकि बेबी डॉजी कॉइन एक तरीके से होल्डर्स के मामले में आप सबको पता है बहुत स्ट्रांग हो चुका है। होल्डर्स आप देख लो 16-17 लाख के करीब जा पहुँचा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस ज़रूर नज़र आ रहा है। लोगों की नज़र है तो कहीं ना कहीं वो डीप प्राइस में जाके छोटा बड़ा अमाउंट हमेशा ही डालेंगे, और जिस टाइम पे एक रैली हमको देखने को मिलेगी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, BTCG को प्राइस है गाइस $16,900 के करीब है, लेकिन फिर भी स्टेबल होता है मार्केट। BTC, इथेरियम, सोलाना, BNB ये अगर एक तरीके से ग्रीन फॉल में आता है तो बाकी की जो हमारी मीम कॉइन ऑल्ट कॉइन है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि लोगों की जो क्वांटिटी है मीम कॉइन में ज़्यादा है, और इन पे खाली फोकस रखते कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं करते कि भाई बिटकॉइन खरीद ले। बिटकॉइन जो बड़ी वेल्स होती, बड़े क्या कह सकते हैं आप, बड़े इन्वेस्टर वो खरीदता, लेकिन छोटा इन्वेस्टर सोचता है कि यार ऐसी कॉइन खरीदूँ मैं जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो, प्राइस भी हमें ज़्यादा मिले।
छोटी इन्फॉर्मेशन दे गाइज, वीडियो पसंद आता है बिल्कुल लाइक करना, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्रिप्टो से बेस्ट वीडियोस आपको मिलता रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।